वो सब देख रहे थे मुझे लगा कि सितारे ज़मीन पर उतर आए तभी मेरी दृष्टि ऊपर की तरफ गई जहाँ कमेंट्री बॉक्स था मुझे इतनी अद्भुत जगह लगी मन में एक इच्छा से उठी कभी यहाँ बैठने का मौका मिलेगा और देखिए कई बार मैं कहता हूँ ना जंगली सपने भी कैसे सच होते हैं बी सी सी लगातार किसी प्लेयर को कह रहा है कि रड़जी खेलो रड़जी खेलो वो नहीं खेल रहा क्या इससे पहले भी कभी आपने ऐसा कोई इंस्टेंस याद आता है जिस घरेलू क्रिकेट की सीढ़ी चढ़कर आप इतना ऊंचा पहुंचते हैं धनाढ़ हो जाते हैं शोहरत मिलती है सब कुछ जीवन में मिलता है आप उसी सीढ़ी को पैक काट देना चाहते हैं ये उचित तो नहीं जब आकाशवाणी ने शुरू की हिंदी में कॉमेंट्री बड़ी गाल या बड़े लोग कहते क्या करा रहे यार ऐसे कोई काम है करने का कुछ हिंदी वाले भी ये प्रश्न उठा रहे थे कि साहब इनको तो पूरा ही हिंदी में करनी है तो पूरा ही अनुवाद करिए स्क्वेयर लेग को वर्गाकार पैर पैर कहिए या फिर फिली मिडोन को मूर्ख मिडान कहिए सनी पाजी के कई सारे किस्से एक दफ़ा जब इंडिया पाकिस्तान का टेस्ट था लाहौर में हम लोग गए कमेंट्री कर रहे थे और मैं बाहर खड़ा था सनी भाई खड़े थे पास में और फतेह सिंह राव गायकवाड़ खड़े थे उन्होंने सनी भाई को मुलाकात कराई उनसे कि ये सुनील गावस्कर हैं भारत के सबसे बड़े ओपनिंग बैट्समैन आप तो इनको जानती ही होंगी बोले जी नहीं मैं तो इनको नहीं जानती मैं तो जानती हूँ जहीर अब्बास और इमरान खान को हाँ। थोड़े चकपका गए गायकवाड़ गायक साहब तब उन्होंने इनको बोला कि आप तो जानते ही होंगे ये मल्लिका ये तरन्नुम नूर, नूर, नूर जहाँ है तो उन्होंने कहा जी नहीं हम तो नहीं जानते हम तो लता मंगेशकर को जानते हैं अच्छा एक बड़ा दर्द है 2013 के बाद से एक भी आई सी ट्रॉफी नहीं आई नहीं। आपके हिसाब से क्या कारण हो सकता है इसका ये सही बात है कि 2013 के बाद आईसीसी ट्रॉफी हमने नहीं जीती है एक तो अच्छी बात है कि हम फाइनल तो खेलने लगे बुरा नहीं मानना चाहिए अगर नहीं जीते कोई बात नहीं भारत में देखिए हम दस मैच जीते थे फाइनल हार गए फाइनल एग्जाम फाइनल एग्जाम होती है उसके प्रेशर से अलग रहते हैं ऑस्ट्रेलिया को उसकी आदत है और वो जीत गया To you by अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का तो का करंट करंट तो ऑन बहुत साल पहले जब घर से निकले थे तो उसके पहले क्रिकेटर बनना चाहते थे लेकिन यहाँ आए तो पता चला कि पत्रकारिता कोई चीज है इसकी पढ़ाई होती है और यहाँ जब पढ़ने आए तो पता चला कि एक होते हैं विजुअल एक होता है ऑडियो ऑडियो में आपके पास क्या होती है सिर्फ आवाज़ होती है तो उस आवाज के दम पर अगर आपको अपनी पहचान बनानी हो तो आपको अपने काम में बहुत बेहतर होना पड़ता है और स्पेशली अगर ये काम किसी ऐसी चीज़ से जुड़ा हो जिसके फैन पूरी दुनिया में है और भारत में स्पेशली कहीं भी आप गली नुक्कड़ पर खड़े हो जाए तो हर कोई क्रिकेट की बात करता है तो क्रिकेट में अपनी आवाज़ के दम पर अगर आपको आगे बढ़ना है आपके पास विजुअल्स नहीं है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है बहुत सारी प्रतिभा आपके पास होनी चाहिए और इस प्रतिभा के साथ आप छप्पन साल तक अगर टिके हुए हैं तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं जो सीखा है उसको बहुत अच्छे तरीके से अपने शब्दों में लोगों तक पहुँचा पा रहे हैं आप एक सेंटेंस बोलते हैं लोग आपकी आवाज़ से समझ जाते हैं कि ये बंदा कौन है इस आवाज़ के पीछे का जो मालिक है वो कौन है और हमने इसको कितने दिनों से फॉलो करा हुआ है क्रिकेट की बात करें क्रिकेट कमेंट्री की बात हो रही है तो जब भी आप बात करेंगे क्रिकेट में हिंदी कमेंट्री की आज का स्तर कैसा है आप कमेंट्स में बताइएगा लेकिन जब ये शुरू हुई थी किन स्ट्रगल्स के साथ शुरू हुई कैसे कैसे चीज़ें इसमें जोड़ी गई किस तरीके से लोगों ने आलोचनाएं की हाथों हाथ लिया बाद में फ़ैन बने और इन तमाम सारी चीज़ों से आगे बढ़ते हुए आज भी इस फील्ड में जो स, आ, एक्टिव हैं जो लोग और उनको पता है कि जिन लोगों ने इसकी शुरुआत की थी जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी उन्होंने कितने एफ़र्ट्स डाले और कितना सारा स्ट्रगल किया आज हम उनके साथ बैठेंगे बैठकी में सुशील दोषी जी के साथ बैठेंगे और समझने की कोशिश करेंगे उनके इस सफ़र को तमाम सारे किस्से पता चलेंगे तमाम सारी नई बातें पता चलेंगी और इसी के साथ अब शुरू करते हैं बैठक का ये एपिसोड सुशील जी स्वागत है आपका धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार कैसे हैं आप नहीं बहुत ही अच्छा हूँ और अच्छा ही रहूँगा क्योंकि लोग कुछ भी कहें उम्र एक नंबर होती है और आपका प्रदर्शन सबसे महत्वपूर्ण होता है आपके आवाज़ कायम है आपकी दृष्टि कायम है और दृष्टिकोण कायम है तो फिर ज़िंदगी कायम है तो कैसे शुरू किया आपने ये जब एक शुरू में बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती थी अभी आप बता रहे थे बातचीत में कि एक बल्ला वो भी टूट गया तो फिर कैसे क्या किया जाए तो क्रिकेटर बनना चाहते थे नहीं बन पाए इंजीनियरिंग करी पढ़े लिखे क्रिकेटर बहुत कम है इंडिया में अगर आप बनते तो आप भी पढ़े लिखे क्रिकेटर्स में से एक होते कॉमेंट्री की तरफ कब झुका हुआ लगा कि ये चीज़ की जा सकती है नहीं देखिए मुझे याद है कि बचपन में मैं क्रिकेटी क्रिकेटर ही बनना चाहता था और क्रिकेट का बल्ला भी खरीदता था महंगा पंद्रह रुपये में बल्ला आता था और रात भर उसको सरसों का तेल से उसको पिलाते थे ताकि स्ट्रोक उसका खुल जा अगले दिन खेलने की कोशिश करते थे लेकिन उस समय क्वालिटी इतनी अच्छी होती नहीं थी छिलपट निकल जाती थी पहले स्ट्रोक में ही और दिल टूट जाया करता था पैसे थे नहीं कि फिर से बल्ला खरीद सकें तो फिर लेकिन क्रिकेट के प्रति दिलचस्पी बहुत थी और खिलाड़ियों के फ़ोटो में अपने एल्बम में इकट्ठे किया करता था और तब क्या करता था कि विदेशों से कॉमेंट्री होती थी ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा था वहाँ कमेंट्री कर रहे हैं एलन मेगेलवरी कमेंट्री कर रहे हैं इंग्लैंड से जॉन औरलर्ट कमेंट्री कर रहे हैं तो उनकी कमेंट्री में सुनता था और जैसे कई बच्चे जैसे गाना गाते हैं ना बाथरूम में गाना गाया बैठे बैठे गाना गाने लगे तो मैं क्रिकेट की कमेंट्री करता था अंग्रेजी में तो ये शौक़ तब से ही मुझे बहुत पसंद था कि कॉमेंट्री एक बहुत अच्छी कला मुझे समझ में आती थी और मुझे याद है कि जब मैं तेरह साल का था ना तब ऑस्ट्रेलिया की एक टीम रिची बेनो रिची के नेतृत्व में भारत आई थी और वो विश्व विजयी टीम थी और तब मैंने अपने पिताजी को कहा कि मुझे बम्बई जाना है टेस्ट मैच देखने अब देखिए हम गरीबी में पहले चार चार भाई हम लोग हर एक को इंजीनियरिंग कराया तो पैसे इतने थे नहीं लेकिन पिताजी ने कहा कि बच्चे की जिद पूरी करनी है पता नहीं वो मेरी हर काम में और मेरे ही नहीं मेरे भाइयों के भी हर जो भी काम जिसको पसंद था ना उसमें दिलचस्पी लेते थे और उस काम को आगे बढ़वाने में मदद करते थे तो माँ ने कहा कि नहीं भाई इतना पैसा कहाँ इसको कहाँ इसकी जिद मत पूरी करो लेकिन पिताजी ने कहा कि नहीं मैं इसको ले जाऊँगा इसने कहा है तो अब क्या हुआ उनको पता नहीं था उनको क्रिकेट में इतनी दिलचस्पी नहीं थी लेकिन बेटे में दिलचस्पी थी तो उन्होंने कहा कि मैं इसको ले जाता हूँ हम लोग गए उनको पता नहीं था कि पचास लोग अंदर बैठते हैं तो पचास लोग बाहर भी खड़े रहते हैं उनको अंदर प्रवेश नहीं मिलता तो हम पिता पुत्र चार दिन तक स्टेडियम ब्रिबोल स्टेडियम पे मैच होते थे तब पहले हम पिता पुत्र चार दिन तक ब्रिबोन स्टेडियम के चक्कर काटते रहे चौथे दिन एक पुलिस वाले ने हमको पहचान लिया और उसने कहा कि क्या जुगाड़ नहीं जमा चार दिन से आप चक्कर काट रहे हो सुबह से शाम तक तो क्या तो बाबू जी ने कहा कि नहीं बाबू कहता था पिताजी को उन्होंने कहा देखिए मुझे तो कोई दिलचस्पी नहीं है ये बच्चा इंदौर से आया इसका दिल टूट जाएगा और इसको किसी तरह से अंदर करना है। तो पुलिस वाले ने कहा कि मैं इसको अंदर कर देता हूँ आप चिंता मत करो लेकिन आपको बाहर खड़ा रहना पड़ेगा अब देखिए पिताजी मुझसे ज़्यादा खुश मैं तो तेरह साल का था मुझे मतलब इतनी संवेदनशीलता भी नहीं थी कि पिताजी आदरणीय पिताजी बाहर खड़े रहेंगे और मैं अंदर फुदकता हुआ चला गया और खुशी से चला गया अंदर जाकर देखा तो जिन लोगों को फ़ोटो में इकट्ठे किया करता था वो सब देख रहे थे मुझे लगा कि सितारे ज़मीन पर उतर आए और ऋषि बहनों को देखा रेल इंडवाल को देखा बापू नाटकर्णी को देखा तबीयत तो खुश हो गई तभी मेरी दृष्टि ऊपर की तरफ गई जहाँ कमेंट्री बॉक्स था तो वहाँ मैंने पूछा कि यहाँ कमेंट्री कौन कर रहे हैं तो किसी ने बताया कि विजय मर्चेंट और बॉबी तल्यार खां कॉमेंट्री कर रहे हैं तो मैंने वो जगह देखी मुझे इतनी अद्भुत जगह लगी कि बर्ड्स आई व्यू आप एक पक्षी की तरह मैच देख रहे हैं और ऊपर से मैच देख रहे हैं गेंद कैसे हिल रही है स्विंग हो रही कट सब दिखाई दे रहा गेंद की लाइन पूरी दिखाई दे रही मैंने कहा अद्भुत जगह मन में एक इच्छा सी उठी कभी यहाँ बैठने का मौका मिलेगा और देखिए कई बार मैं कहता हूँ ना जंगली सपने भी कैसे सच होते हैं सन उन्नीस सौ में जब टॉनी लुइस की टीम इंग्लैंड से आई भारत और मुंबई टेस्ट मैच में मैंने अपनी जिंदगी का पहला टेस्ट मैच करने का मौका मिला तो उसी ब्रेबोन स्टेडियम से और उसी कमेंट्री बॉक्स से मैंने अपनी पहला टेस्ट मैच की कमेंट्री की तो मैं समझता हूँ कि माता पिता का जितना योगदान बच्चे के आगे बढ़ने में होता है वो अद्भुत रहता है उसकी कोई तुलना कहीं करी नहीं जा सकती है। अच्छा ये तस्वीरें इकट्ठा करने वाली बात है तो इसमें लाइब्रेरी में क्या हुआ था जब एक बार ब्लेड लेकर गए थे आप और आपके दोस्त पकड़ा कौन गया था और पिटा कौन था

इसमें कभी फ़ोटो आ जाता था तो हम लोग क्या करते है? ब्लेड छुपा के ले जाते और लाइब्रेरी में फ़ोटो काट लेते और निकाल के फिर ला के एल्बम में लगा अब मेरा एक दोस्त था जो अब दुनिया में नहीं है लेकिन उसने कहा कि यार मैं तुम्हारी मदद करूंगा और ये काम बड़ा बड़ी बढ़िया है मैं चलता हूँ साथ में तो वो ब्लेड से वो काटता था और फिर मैं चुपके से जेब में रख लेता था और फिर घर आके एक दिन पकड़े गए उसको दो चांटे लगाए उसने लाइब्रेरी ऐसा काम करते हो तो हम लोग बाहर आ गए रुआ से होकर और खैर फिर उसने एक बात कही जो मैं आज तक नहीं भूलता उसने कहा कि मेरे घर पे यह बात मत बताना कि हमको इस तरह से चांटा पड़ा है नहीं तो कल से हम दूसरी जगह ये काम करने जाएंगे ना तो वो ना करेंगे तो ऐसे दोस्त आजकल होते नहीं कई बार आज जितने हमें प्रसिद्धि मिली है तो मैं सोचता हूँ ऐसे दोस्तों का भी उसमें योगदान तो है उन्नीस में आपने शुरू करी कॉमेंट्री तो क्या हुआ था जब आकाशवाणी ने एक ऐड निकाला कि इसमें जो है कॉमेंटेटर चाहिए आप गए तो क्या हुआ सबसे पहले क्या हुआ नहीं उन्नीस सौ में तो इंजीनियरिंग का विद्यार्थी था देखो चौथे साल में पढ़ता था इंजीनियरिंग कॉलेज में और मैं कुछ एक आध लेख कुछ लिखे थे मैंने अखबारों में तो मेरी क्रिकेट के प्रति दिलचस्पी तो बचपन से थी तो मैंने मुझे खबर लगी कि ये हिंदी कमेंटेटर का उस समय चुनाव होना ही था मतलब पहली बार देश में हिंदी कमेंट्री सब जगह शुरू होनी थी और उसकी एक नियत दिनांक था तो मुझे किसी ने कहा कि यार जाकर कोशिश करो शायद कुछ हो सकता है तो मैं गया वहाँ पर आकाशवाणी में और मुझे याद है कि चूँकि गरीबी के दिन थे तो मैं निकर पहन के ही चला गया वहाँ आकाशवाणी में पहुँच गया स्टेशन डायरेक्टर को कहा कि मैं कॉमेंट्री कर सकता हूँ और मैं थोड़ा बहुत क्रिकेट जानता हूँ तो उन्होंने पहले मुझे नीचे से ऊपर देखा उनके उनकी वो मुस्कुराहट अभी तक मुझे याद है उन्होंने मुझे देखा और कहा कि पुटन सब गृह यार सिंपली गेट आउट तो मुझे भगा दिया उन्होंने अच्छा हिंदी कॉमेंट्री का ट्रायल है बात अंग्रेजी में भगाए भी अंग्रेजी में हाँ नहीं फिर वापस जब आखिरी दिन आ गया तो शायद उनको कोई मिला नहीं तो फिर उन्होंने कहा कि एक पागल सा लड़का आया था शायद उसी से कोशिश करा लेते हैं शायद कुछ करें तो मैं मुझे ढूंढा गया फिर मैं गया तो मैंने अंग्रेजी में कॉमेंट्री करके बताई उन्होंने कहा इमेजिनरी कॉमेंट्री करके बताइए मैंने अंग्रेजी में बताई तो उनको बड़ी अच्छी लगी लेकिन उन्होंने कहा हमें तो हिंदी कॉमेट्री चाहिए क्योंकि अंग्रेजी में कॉमेट्री नहीं चाहिए तो फिर मैंने तो कभी हिंदी कॉमेंट्री सुनी नहीं थी देखिए और ना कभी की थी तो मैंने जैसे तैसे मेरी हिंदी ठीक थी बचपन से तो मैंने हिंदी कॉमेट्री करके बताई तो पता नहीं अच्छी तो नहीं की होगी लेकिन उनको लगा कि ये लड़का काम चला लेगा तो उन्होंने मुझे चुन लिया और पहली बार उन्नीस में रणजी ट्रॉफी में मुझे मौका मिला मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में था। MP राजस्थान, MP का एक हाँ हा। रजत पाटीदार के साथ तो हूँ तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है बड़ी कमाल की सेंचुरी मारी थी आईपीएल में लेकिन क्या कमी आ रही है आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस है क्या लग रहा है रजत पाटीदार कहाँ चूक रहे हैं लगातार चार इनिंग्स हो गई नहीं दो बातें हैं कई बार क्या होता है ज्यादा सोच विचार कोई चीज़ आप मन पर हावी हो जाती है और हमेशा मैं कहता हूँ कि तकनीकी योग्यता और जितनी दूसरी कुशलता फिटनेस ये सब चीज़ें तकनीक तरकीब ये सब तो होती है लेकिन सबसे बड़ी बात होती है मानसिक दृढ़ता आप दिमागी रूप से बहुत मज़बूत होने चाहिए और बड़ा कई खिलाड़ी क्या बड़े अवसरों की तलाश में रहते हैं मौका आता और झपट लेते हैं प्रतिभा की कमी रहती है लेकिन उसके बावजूद भी झपट लेते हैं और कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं तमाम प्रतिभाओं के बावजूद जैसा आप खुद कह रहे हैं कि उसमें प्रतिभा तो बहुत है जैसा बैकफुट पंच उसका है भारतीय क्रिकेट में किसी का नहीं देखा नहीं मैंने नहीं। इतना अद्भुत खेलता है जब बैक जम जाता है ना और बैकफुट पंच इतना अच्छा है प्रतिभाशाली सभी जानते हैं लेकिन वो जो वक्त की नज़ाकत या वक्त का भारीपन उस पर हावी हो गया और वो रजत पाटीदार नहीं रह गया जो रजत पाटीदार को हम जानते हैं तो क्या लग रहा है अब पाँचवा टेस्ट बस शुरू होने वाला है रजत पाटीदार को एक और मौका मिलेगा मुझे तो लगता नहीं है क्योंकि इतने टेस्ट मैच हो गए कई क्या होता है कि कई लोग दस्तक दे रहे हैं दरवाजे पर और रणजी ट्रॉफी खेलते रहे अब मैं तो आश्चर्य होता कि है कि चेतेश्वर पुजारा जैसे खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी में खेल रहे हैं लगातार और खूब रन बना रहे हैं फिर भी उनको अनदेखा किया जा रहा है तो अभी इतनी बार आपको टेस्ट मैच आप खेल चुके हैं और हर एक टेस्ट मैच में असफल हो गए तो मेरे ख्याल से फॉर द टाइम बिंग जिसको कहते हैं ना अभी फिलहाल उनको थोड़ा ब्रेक देना चाहिए नहीं तो क्या होगा कि उसका दबाव और बन जाएगा कि मैं इतनी पारियों में असफल हो गया किसी नए को मौका देना लेकिन बोर्ड किस तरह से सोच रहा है ये भी एक बात होगी क्योंकि देखिए आप सीरीज तो जीत चुके हैं आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं तो हो सकता है मौका मिले भी मिल जाए तो अच्छी बात है लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि चूँकि ये क्षणों के दबाव में आ रहा है जो वातावरण के दबाव में आ रहा है तो उससे उसे छूट निकलने की ज़रूरत है थोड़ा कहीं मैच रणजी ट्रॉफी वगैरह फिर से खेले फिर से रन बनाए आई में खेले अभी हालांकि तीस साल उम्र हो गई है हाँ। ऐसा नहीं कि बहुत जवान है लेकिन देखिए अगर आप में प्रतिभा है तो आप उभर सकते हैं हाँ बात तो पानी खोने की हुई तो बी का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देखा ही होगा आपने दो बड़े लोगों को निकाला गया अय्यर का वर्ल्ड कप बहुत अच्छा गया था आप अय्यर को नंबर चार पे फिक्स कर रहे थे ईशान किशन आपके फ्यूचर थे विकेट कीपिंग में उनके चलते आपको फिर के एस भरत को सबको ट्राई करना पड़ा आपने जबकि आप नहीं चाहते थे आप लगातार मना करने के बाद भी आपने ईशान से ट्राई किया कि भाई आ जा वापस आ जा अभी भी, भी आ जा ये क्या इससे पहले मेरी मेरे याददाश्त में तो ये पहली बार है कि बी लगातार किसी प्लेयर को कह रहा है कि रड़जी खेलो रड़जी खेलो वो नहीं खेल रहा क्या इससे पहले भी कभी आपने ऐसा कोई इंस्टेंस याद आता है नहीं ऐसा तो कभी नहीं मुझे तो याद है कि सुनील गावस्कर जब ऑस्ट्रेलिया में हम नाइनटीन सेवेंटी की बात है तीन सेंचुरीज तो उसने लगातार तीन टेस्ट मैचों में लगाई थी वहाँ पर लेकिन वो हवाई जहाज़ में चढ़ने के पहले भी उसने टेलीग्राम भेजा था कि अगले दिन कांगा लीग का मैच है और उस लीग क्रिकेट में मैं खेलना चाहता हूँ देखिए होता क्या है कि जिस घरेलू क्रिकेट की सीढ़ी चढ़कर आप इतना ऊंचा पहुंचते हैं धनाढ़ हो जाते हैं शोहरत मिलती है सब कुछ जीवन में मिलता है आप उसी सीढ़ी को फेंक काट देना चाहते हैं ये उचित तो नहीं लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि देखिए गलती होती है प्रतिभाशाली तो है इसमें कोई संदेह नहीं जैसा आप भी कह रहे हैं तो एक एक दो टेस्ट मैच में भले ही नहीं खिलाइए लेकिन उनको हमेशा दिमाग में रखिए हमेशा मत करिए कि आगे से क्योंकि आप मोटे डंडे से मास्टर बनकर लोगों को हमेशा पीट नहीं सकते आप उनको सुधरने का बच्चे हैं और प्रतिभाशाली हैं कमज़ोर नहीं हैं तो उनको सुधरने का मौका और दिख रहा है दोनों खिलाड़ी रहे हैं रणजी ट्रॉफी में खेल रहे हैं अब हमने देखा ईशान किशन खेल रहे हैं रणजी ट्रॉफी में मुंबई के लिए तो अच्छी बात है अय्यर खेल, खेल रहे हैं ईशान किशन अय्यर खेल रहे हैं जी 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 रहे सतहत्तर ऑस्ट्रेलिया के एक प्लेयर थे कीथ मिलर वो समझ तो नहीं पाया लेकिन तारीफ बहुत की थी आपकी कमेंट्री की क्या नहीं वो बड़ा विचित्र मौका था कि उस समय दुनिया में किसी ने हिंदी कमेंट्री सुनी ही नहीं थी कि हिंदी कमेंट्री भी हो सकती है अंग्रेजी के अलावा किसी और भाषा में किसी ने कभी नहीं सुनी थी तो जब मैं कमेंट्री करता था, था तो बहुत सारे लोग आते थे वहाँ पर देखने कि कोई कहता था कि एक लड़का है जो बहुत तेज़ी से मुंह चला रहा है लेकिन वो क्या कह रहा है समझ में नहीं आता तो ये भी कह रहे थे तो एक दिन मैंने देखा कीथ मिलर जो ऑस्ट्रेलिया के बहुत मतलब अगर वर्ल्ड के बेस्ट ऑलराउंडर्स गिने अगर क्रिकेट इतिहास के फर्स्ट टेन तो आज भी उसमें कीथ मिलर का नाम आता वो ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के लिए कॉमेंट्री कर रहे थे तो एक दिन जब मैंने देखा कमेंट्री करने के बाद पीछे पलट कर देखा तो पीछे खड़े थे तो मेरे तो होश उड़ गए क्योंकि जिनके फोटो में इकट्ठे करता था वो भी ठीक पीछे खड़े थे और मेरी कमेंट्री सुन रहे थे तो फिर मैं बाहर निकला उनको मैंने शो एंड विथ हिम और उन्होंने कहा कि बॉय आई हैव नॉट अंडरस्टूड ए सिंगल वर्ड ऑफ वॉट यू हैव सेड बट वाट केम इन टू माई ईयर्स वॉज वेरी स्वीट तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा कॉमेंट है क्योंकि जो आपकी भाषा नहीं समझता लेकिन जिसके कानों में आपकी भाषा कर्णप्रिय लग रही हो तो ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट और मेरा दिल गदगद में कभी भूलता नहीं अच्छा कॉम्प्लीमेंट्स की बात हुई तो जब आकाशवाणी ने शुरू की हिंदी में कॉमेंट्री बड़ी गालियाँ बड़े दिल लोग कहते क्या <laughs> करा रहे यार 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 कोई काम करने का कोई वाक्य याद आता है कि किसी ने बड़ा लंबा सा लेटर लिखा हो कि भाई ये मत करो या कोई चला आया हो चल के आकाशवाणी तक नहीं बहुत सारे जब शुरू में कमेंट्री करते थे ना लोग कहते थे कि ये क्रिकेट की हत्या है ये ज़िंदगी भर भी सीखें तो हिंदी में कमेंट्री कर ही नहीं सकते हिंदी में कमेंट्री होनी ही नहीं चाहिए ये मैं बात कर रहा हूँ उन्नीस से उन्नीस सौ बहत्तर तक तब लोग इसके सख्त खिलाफ़ थे क्योंकि ज़्यादातर अंग्रेज़ी ना ही लोग और तब टेलीविज़न था नहीं रेडियो ही कॉमेंट्री कर और जो जो ऐसे बड़े लोग होते थे ना जो जो समाज पर हावी रहते थे वो लोग कहते थे कि नहीं भाई और वही लोग मुखर होकर कहते थे कि हिंदी में कमेंट्री नहीं होनी चाहिए तो लेकिन ये भी प्रश्न उठ रहा था हिंदी वाले भी खिलाफ़ हो रहे थे कुछ हिंदी वाले भी ये प्रश्न उठा रहे थे कि साहब इनको तो पूरा ही हिंदी में करनी है तो पूरा ही अनुवाद करिए स्क्वेयर लेग को वर्गाकार पैर पैर कहिए या फिर सिली को मूर्ख मिडॉन कहिए या फाइन लेक को कहिए कि चिकनी टांगें तो ये कैसे है <laughs> तो बोले ये कैसी हिंदी कॉमेंट्री जब आधे अंग्रेजी बोल रहे लेकिन फिर हमने एक तालमेल बैठा देखिए तमाम आलोचनाओं के बीच भी क्या होता है जब आलोचनाओं को आप सुनते हैं ना तो उसमें से आप ग्रो होते हैं उसमें से चीज़ें निकालते हैं कि लोग किस तरह से सोच रहे हैं तो हमने क्या करा मूल आत्मा जो क्रिकेट की थी मूल शब्दावली वही रहने दी और जितना सरल भाषा में जितनी बातें कर सकते थे हिंदी में बाकी वो हिंदी में बात की तो उसको मैं तो समझता हूँ लोग कहते हैं कि भारतीय लोग जल्दी ग्रहण नहीं करते मुझे आश्चर्य और मैं तो कहना चाहता हूँ कि भारतीय लोग की व्यावहारिक कुशलता इतनी ज़्यादा रहती है कि वो उन्होंने स्वीकार किया और हिंदी कमेंट्री को ग्रहण किया और आज तो हम देख रहे हैं टीआरपी हिंदी कमेंट्री की अंग्रेज़ी कमेंट्री से कहीं ज़्यादा दिखाई दे रही है हाँ काफ़ी ज़्यादा रीच है अब तो बहुत सारी और भाषाओं में भी कमेंट्री हो रही है भोजपुरी और पंजाबी बंगाली कन्नड़ा सब चल रहा है लेकिन आप जब शुरू कर रहे थे फिर एक दौर आया कि घर घर में आप पहचाने जाने लगे तो उस टाइम हम देखते हैं ना कि अभी क्या है कि अभी लोग ट्विटर पे आ जाते हैं और जो कहना होता कह देते हैं भाई बड़े अच्छे और या बड़ा ख़राब है अभी आकाश चोपड़ा ने आपके साथ कुछ बताया था ट्वीट ट्वीट किया था कि आपसे मुलाकात हुई तो कितनी सारी तारीफ़ आएँ क्या फ़ैन मेल्स आती थी आपके पास चिट्ठियाँ लिखा करते थे लोग मैं आप कल्पना नहीं कर सकते एक तो जब रेडियो कमेंट्री आती थी ना एक एक पान वाले की दुकान पे दो दो सौ तीन तीन सौ लोग खड़े हो जाते थे आपका एक एक शब्द ध्यान से सुना जाता था और केयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम ऐसे काम के डेढ़ सौ दो सौ चिट्ठियाँ प्रतिदिन मतलब क्योंकि हमारे माध्यम से ही वो क्रिकेट सुनते थे तब टेलीविज़न तो था नहीं पूरा देश रेडियो से कान लगाए सुनता था तो बड़ा रेडियो का गोल्डन पीरियड जिसको कहते हैं स्वर्णिम अध्याय था वैसा अध्याय शायद फिर कभी रेडियो के लिए नहीं आए लेकिन गजब का वो लोगों ने जो आस उसका प्रतिसाद दिया उसकी मैं भारतीयों की प्रशंसा करूँगा कि अपनी भाषा के प्रति उनका जो आग्रह था और समझना चाहते थे वो क्रिकेट ने देखिए हिंदी क्रिकेट कमेंट्री ने दो काम किए वहाँ पहुँचाया क्रिकेट को जहाँ क्रिकेट कभी पहुँचने की कल्पना नहीं कर सकता था यानी खेत के किसानों में गाँव तक है ना गांव के लोगों में खलिहान में काम कर रहे किसानों में और मजदूरों में और महिलाओं में काम करती जो महिलाएं घर में जो काम करती थी ना चौके चूल्हे में लेकिन दूसरी तरफ एक तो क्रिकेट को पहुंचाया वहाँ पे लेकिन दूसरा क्रिकेट ने हिंदी को वहाँ पहुंचाया जैसे क्रिकेट ने हिंदी को पहुंचाया दक्षिण में वहाँ के लोग मुझे काफ़ी लिखते थे कि आपकी हमें बहुत पसंद है केवल उनहत्तर और थर्टी नाइन और ये इसको हाँ। अंग्रेज़ी में कहिए 79 और ये समझ में नहीं आ रहा बाकी हमें बहुत अच्छा लग रहा है फिल्में तो देखते ही वो लोग लेकिन हिंदी की खिलाफत तो उनसे काफ़ी दूर हो रही थी तो मुझे ये अच्छा लगा कि दक्षिण भारतीय लोग हिंदी के प्रति मतलब अच्छे भाव रखने लगे हाँ हिंदी के प्रति हाँ, सुनील गवस्कर के बारे में आपकी एक लाइन बड़ी मशहूर सी है आपको याद है या मैं दोहराऊँ नहीं बहुत सारे बहुत सारी बात जो आपने कही थी कि शाम ढल रही है खिलाड़ियों की पर अरे वो तो मैं भूल नहीं सकता वो हिंदी कॉमेडी का स्वर्णिम क्या किस्सा कैसे दिमाग में आएगी नहीं ये... वो क्या था कि सुनील गावस्कर कुछ पिछयासी या छियासी रन पर खेल रहे थे फिर और शाह कोटला ग्राउंड था और और शाम ढल रही थी और मुझे डर लग रहा था सेंचुरी के नज़दीक हैं बना लें तो अच्छा और तब मैंने कहा था कि शाम ढल रही है खिलाड़ियों की परछाइयाँ मैदान पर लंबी हो रही लेकिन भारत का सूरज सने गावस्कर पूरी चमक के साथ मैदान पर विद्यमान है तो ये जब कहा ना तो स्टेडियम में एक एक वर्ग जो वहाँ तालियाँ बजाने ले बाद में मुझे खिलाड़ी वो खिलाड़ी तो अंग्रेज़ था उसको था हिंदी समझ में नहीं आती थी उसने किसी एक अंग्रेज समझने वाले किसी ने कहा कि

दिल से महसूस किया और कोशिश की कि जो श्रोता हैं सुनते हैं वो दिलों में उनके उतरे दिल से महसूस नहीं करोगे तो दिलों में महसूस नहीं करा सकते अच्छा हमने देखा कि कमेंट्री अब जो हम सुनते हैं वो अक्सर पेयर्स में होती है कि कभी राजदान साहब के साथ अगर अजय ज़़े जडेजा बैठे हुए हैं तो बड़ा मज़ा आता है सुनने में वो अपने कुछ किस्से सुनाएंगे कोई बातें करेंगे आपका फेवरेट पार्टनर कौन हुआ करता था नहीं मुझे देखिए एक तो अनंत सैतलवाट मुझे बहुत अच्छे लगते थे जो ऑस्ट्रेलिया गए क्योंकि मैं काफ़ी छोटा था छब्बीस सत्ताईस साल का ही था और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर चला गया था तो उनसे काफ़ी मुझे क्रिकेट भी सीखने को मिला तो वो बहुत अच्छे कॉमेंटेटर थे फिर नरोत्तम पुरी मेरे साथ काफ़ी कॉमेट्री की उन्होंने वो भी बहुत अच्छे कॉमेंटेटर थे उन्हें भी मेरा साथ पसंद था मेरे मित्र भी हैं तो मित्रता अलग बात है लेकिन कॉमेंट्री क्योंकि काम में दिखना सॉफ्ट आवाज़ है उनकी मधुर आवाज़ है तो उनको भी लगता था कि साथ में रहें हम लोग तो अच्छा और हमारी उम्र भी समान है और इसके अलावा सुरेश सराया एक अच्छे कमेंटेटर थे ये ये पुरानी पीढ़ी जो हमारे साथ मतलब मैं तो पुरानी पीढ़ी अपने आप को कहता ही नहीं <laughs> आप तो हर पीढ़ी के हैं नहीं मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर वक्त के साथ हम बदलेंगे तो फिर वक्त आपको पीछे नहीं छोड़ेगा अच्छा इंदौर का एक बड़ा फेमस वाक्य सैयद मुश्ताक अली साहब ने आपको लता जी को और अपने बारे में कुछ कहा था इतने बड़े व्यक्ति और पता नहीं इतना अगाध उनका प्रेम मेरे प्रति शायद इस कारण कहा होगा मैं इसके लायक तो हूँ नहीं लेकिन उन्होंने एक समारोह में ये कहा कि मुश्ताक अली को ईश्वर ने भेजा है बल्ला लेकर क्रिकेट खेलने के लिए लता मंगेशकर को भेजा गाना गाने के लिए और ये बालक है ना सुशील दोषी इसको हिंदी की क्रिकेट कमेंट्री करने के लिए भेजा ऐसा कहा था बड़े आदमी थे देखे पद्मश्री मुश्ताक अली अच्छा ये सेवेंटी नाइन का ओवल टेस्ट था उसमें भी आपने कुछ खतरनाक सा बोला था जो शायद डॉक्टर हृदय के जो डॉक्टर्स उनको बड़ा अच्छा लगेगा सुनकर वो लाइन याद है आपको नहीं याद मुझे याद है, है मैं, वो मुझे कमेंट्री के लिए काफ़ी याद किया जाता है देखिए भारत कभी जीतता नहीं था विदेशों में जाकर और नाइनटीन की बात है और सुनील गावस्कर ने उस टेस्ट मैच में दो रन बना चार रन बनाने थे जीतने के लिए और भारत बिल्कुल जीत के नज़दीक पहुँच गया था आठ विकेट बाकी थे पचास साठ रन कुछ बचे थे और लग रहा था कि भारत जीत जाएगा तब कुछ लोग मैंने देखा कि जो स्टेडियम से बाहर वापस जा रहे थे तो मैंने पूछा हाउ केन यू लीव स्टेडियम एट दिस स्टेज इट्स सच एन एक्साइटिंग स्टेज तो उन्होंने कहा कि वी हैव हार्ट प्रॉब्लम और हमारे डॉक्टर्स ने हमें कहा है कि ये आपके दिल को भारी पड़ सकता है तो मैंने सोचा अंग्रेज़ तो काफ़ी बहुत ही जिसको कहते हैं ना कंजर्वेटिव होते हैं hmm. और हम भारतीय तो बहुत भावुक रहते हैं तो मैंने सोचा जो कमेंट्री सुन रहे हैं ना लाखों करोड़ों लोग वो कान लगाए है बैठे हैं उनमें से भी कई लोगों के यही हाल होंगे तो मैंने तब कहा था कि ये मैच अब कमज़ोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है जिनके दिल कमज़ोर हैं शायद उनके डॉक्टर्स ये सलाह दे रहे होंगे कि ये रोमांच उनके दिल को भारी पड़ सकता है अच्छा इसमें एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी शायद ये चिन्ना स्वामी स्टेडियम बड़ौदा वर्सेज कर्नाटक मैच हिंदी को लेकर कुछ हुआ था <laughs> वो मुझे माफ़ी मांगनी पड़ी थी नहीं उसका मुझे ज़्यादा पता नहीं हाँ एक ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि एक जो बातें में कहते हैं ना हम जब विदेशों में जाते हैं ना तो अपना सेल्फ रेस्पेक्ट जो है ना कई खिलाड़ी कायम नहीं रख पाते हैं। लेकिन सुनील गावस्कर को मैंने देखा इसीलिए मेरे मन में उनके प्रति बहुत श्रद्धा है जो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और भारतीयता के प्रति उनको जो आत्मसम्मान है उसकी भावना बहुत ज़बरदस्त है तो लाहौर में हम लोग गए कमेंट्री कर रहे थे और आखिरी का वक्त था वहाँ पे और आ, 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 रात को एक पार्टी रखी थी हमारे मैनेजर थे फतेह सिंह राव गायकवाड़ उन्होंने पार्टी रखी थी भारत की तरफ से और मुझे भी बुलाया था गावस्कर साहब भी थे और बड़े बड़े डिग्नेटरीज जो थे पाकिस्तान के सब आ रहे थे और मैं बाहर खड़ा था सनी भाई खड़े थे पास में और फतेह सिंह राव गायकवाड़ खड़े थे तो तभी एक आवाज़ उठी कि वो आ गई वो आ गई तो लोगों ने कहा भाई कौन आ गई ऐसा मेरी भी दृष्टि गई जवान था मैंने कहा भाई कौन आ गई देखे कौन सितारा आ गया लेकिन वो गहमा गहमी सब तरफ फिर जो शख्सियत आई उनको गायकवाड़ साहब पहचानते थे उन्होंने सनी भाई को मुलाकात कराई उनसे कि ये सुनील गावस्कर हैं भारत के सबसे बड़े ओपनिंग बैट्समैन आप तो इनको जानते ही होंगे ये भारतीय टीम के कप्तान भी हैं दुनिया इनकी मुरीद है बोले तो जी नहीं मैं तो इनको नहीं जानती मैं तो जानती हूँ जहीर अब्बास और इमरान खान को हाँ। तो फिर थोड़े छकपा का गए गायक गायकवाड़ साहब तब उन्होंने इनको बोला सनी गावस्कर जी को कि आप तो जानते ही होंगे ये मल्लिका हाँ। है तरनूम नूर जहाँ है तो उन्होंने कहा जी नहीं हम तो नहीं जानते हम तो लता मंगेशकर को जानते हैं अच्छा ये एक स... मैं कभी भूलता नहीं सनी पाजी के कई सारे किस्से एक दफा जब इंडिया पाकिस्तान का टेस्ट था पाकिस्तान आप कितनी बार गए नहीं उनके तो बहुत सारे किस्से चलते रहते हैं सनी भाई के लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है ना वो अद्भुत रहता है और उनका टाइमिंग मुझे तो मैं जब गया था तो मैं गावड़ेली की तरह गया था मैं पहली बार हवाई जहाज़ में बैठा मुझे तो पता ही नहीं था कि चम्मच और छुरी कैसे पकड़ते हैं तो मुझे पकड़ते हैं अरे ये बाएं हाथ में छुरी पकड़ ये हाथ में छुरी रखो और ये बाएं हाथ में ये ये रखो तो ये सब उनका मेरे प्रति स्नेह भी बहुत रहा हमेशा लेकिन एक बात है उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अद्भुत रहा और उनके कई किस्से जियाउल हक साहब क्या कहते थे इनके और लाला अमरनाथ के बारे में कौन हक साहब वहाँ के जो जिया हक साहब तो ये कहते थे कि आप ऐसा करो कि आप तो हमें सुनील गावस्कर दे दो तो हम तो फिर तो हम वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे उन्होंने हाँ। कहा उनको और ये भी कहा कि आप अगर पाकिस्तान से चुनाव लड़ें तो आप जीत जाएंगे अच्छा वो पत्रकार कौन था जिसने कहा था कि अपने अंपायर दे दो तो हम ऐसे वर्ल्ड <laughs> चैंपियन बन जाएंगे <laughs> एक पत्रकार था वो मैंने भी पीछे पलट कर थी वो सेंग मैं इतना पहचानता नहीं था तो भारतीय पत्रकार थे तो उन्होंने कहा कि भाई आप सुनील गावस्कर ले लो हमको तो आपके दो अंपायर दे दो वहीं से हम मैच जीत लेंगे तब काफ़ी पक्षपातपूर्ण अंपायरिंग हो रही थी उस मैच में और इसी इसी मैच का किस्सा जब लाला जी गुस्सा हो गए थे और चले गए थे वो जो के, वो मैच था, था 1978 का तो मोहिंदर अमरनाथ को उन्होंने ऑफ स्टप के बाहर की एक बहुत बाहर थी गेंद और पैड पर लिया तो और इमरान खान या अपील करें ना तो फिर उनको आउट दे दिया जाता तो फिर अंपायर की हैसियत नहीं थी, थी कि ज़ोरदार अपील करें कि वो नॉट आउट दें ऐसा होता ही नहीं था तो वो उन्होंने आउट दे दिया और लाला जी गुस्से गुस्सा हो गए तो बोले ये क्या ये तो बेईमानों का देश है हम तो ब, नीचे और सारे वहाँ ये समझे कि स्टैंड गन्स लेकर खड़े थे ग्राउंड में चारों तरफ हमें डर लग रहा था कि लाला जी कह रहे हैं इस तरह से तो लाला जी ना कुछ नहीं वो लेकिन इतने लोकप्रिय थे लाला जी वहाँ पर मैं उनके साथ काफ़ी घूमता था क्योंकि जेमी भाई साहब मेरे भी काफ़ी अच्छे मित्र हैं तो उन्होंने कहा था कि लाला जी का ध्यान रखना तो मैं 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 उनके साथ ही रहता था तो मुझे डर भी लग रहा था कि ये कुछ अनहोनी ना हो जाए यहाँ पर लेकिन कुछ वाणी वो इतने लोकप्रिय थे कि सारे जो ग्राउंड के लोग थे ना उनके जो पुलिस वाले वो भी वो भी मुस्कुरा ही रहे थे कि अरे लाला जी क्यों नाराज होते वैसे मुस्कुरा ही रहे थे और उनको भी कहा था जियाउल हक साहब ने कि आप पाकिस्तान आप इतने लोकप्रिय हो यहाँ लाहौर में कि आप यहाँ से चुनाव लड़ोगे तो आप जीत जाओगे अच्छा लाला जी से लोग इतना डरते क्यों थे लाला जी लाला जी से इतना डरते क्यों थे लोग नहीं डरते तो नहीं थे लोग लोग लो तो डरते तो नहीं थे उनका क्या गुस्सा भी थोड़ा प्यार वाला रहता था लाला जी ऐसा गुस्सा करते नहीं थे लेकिन लाला जी को गुस्सा प्यार वाला गुस्सा था कि फटकारते भी थे तो मोहब्बत छुपी रहती थी अच्छे इंसान थे और बड़े आदमी मतलब भारत की तरफ से पहला शतक भारत में उन्होंने लगाया था हम सब जानते हैं और तब जेवर उन पर लुटा दिए गए थे मुझे मालूम तो वो बहुत बड़े क्रिकेटर थे और दिल भी बहुत बड़ा था और मैं तो उनके घर पे जाके मोहेंद्र जी के माँ से भी मिला अभी पिछले तो उनको तीस साल एक तो वो कविताएं पुराने दोहे तुलसीदास जी के दोहे सूरदास जी के दोहे उनको पाँच सौ दोहे याद और मैं जब उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि तीस साल पहले तुम चंदू सरबट्टे के साथ आए थे ना घर पे तीस साल पुरानी बात उन्हें याद थी मैं तो चमत्कृत रह गया तो लाला जी के बेटे अगर आज इतने होनहार हैं तो माता पिता का तो उसमें बहुत बड़ा हाथ है अच्छा चंदू सरोटे का आपने नाम लिया शूट बनर्जी के साथ उनकी एक पार्टनरशिप हाँ, हुई थी अभी अभी वो फीट रिपीट हाँ, हुआ है मुंबई वालों ने किया है तो क्या उस टाइम क्या माहौल रहा होगा कि नंबर दस ग्यारह जहाँ नंबर दस सरे के खिलाफ मैच था काउंटी क्रिकेट में और चंदू सरपटे साहब के साथ मैंने बहुत सारे मैचेस की कमेंट्री की वो एक्सपर्ट रहते थे मैं कमेंटेटर था तो वो इतने बड़े आदमी थे देखिए वो जो आप कह रहे हैं ना कि दोनों ने सेंचुरी लगाई और दोनों ने आखिरी विकेट की भागीदारी हाँ। का रिकॉर्ड बहुत बरसों तक रहा लेकिन बड़े होलकर क्रिकेट के बड़े स्तंभ थे वो टेस्ट मैच भी खेले लेकिन उनकी ईमानदारी का एक किस्सा बताना चाहूँगा कि हम दोनों जब जाते थे ना कॉमेंट्री करने तो पैसा वो खर्च करते थे और फिर बाद में हिसाब करते थे कि आधा आधा हम कर लेंगे तो एक बार घर आया कि वो कानपुर टेस्ट मैच में कमेंट्री करके गए घर आया और बोले कि ये आधा हिसाब ये ये हिसाब है ये आपका आधा तो मैंने उतने पैसे दे दिए तो फिर आधे घंटे बाद देखा कि अपनी हेरोल्ड कार में फिर आ गए मैंने कहा आप वापस क्यों क्या हुआ तो बोले यार एक वो चारा ने एक चाय के तुमने दिए थे तो उसके ये आधे पैसे तुम तुम्हारे रह गए मैंने कहा आप कमाल करते हैं आपका पेट्रोल का खर्च उससे ज़्यादा है तो बोले नहीं बात पेट्रोल की नहीं है यहाँ पे होलकर और भारतीय टीम के क्रिकेट खिलाड़ी की अस्मिता का सवाल है तो ये जो बात है ना आज के क्रिकेटर्स को ही सीखना चाहिए कि देखिए सेल्फ रेस्पेक्ट और इज्जत के लिए आदमी कुछ भी छोड़ देता है आ, दो हजार की बात है डबल विकेट जो चैंपियनशिप हुई थी उसमें आप लोग गए थे तो होटल का किराया ही नहीं भरा गया था <laughs> अफरीदी आ, और सब अमे, अमेरिका गए थे हम और 2000 की बात है अमेरिका गए थे और वो कुछ पाकिस्तानी लोग थे जो मेरे प्रशंसक थे वो हसन जलील वगैरह इन लोगों ने मैच आयोजित किया था और डबल विकेट अच्छा उन्होंने याद रखा मुझे कि भाई पाकिस्तान में ये लोग भी मशहूर हैं तो इनको बुलाते हैं मुझे बुलाया था मनिंदर सिंह भी मेरे साथ गए हम लोग वहाँ गए और एक दोपहर बाद जब कमेंट्री करके लौटे तो फिर देखा कि वो होटल के कमरे बन गया ये क्या हुआ पता चला कि दो तीन घंटे हम लोग वसीम और सब लोग थे तो वो शायद उनके स्पॉन्सर जो होगा ना वो उसने पैसे जमा नहीं किए होंगे तो वहाँ कौन पूछेगा जान पहचान से काम नहीं पैसे का काम पैसे से तो बोले पहले पैसे भरो उसके बाद होटल के रूम्स ऐसा मैंने पहली बार देखा इसके अलावा कहीं ऐसी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा नहीं वो बहुत हम लोग बाहर बैठे रहे हम लोग बाहर गप्पे शप्पे मारते रहे लेकिन बड़ा आश्चर्य हुआ तो ये अच्छा हुआ कि मैंने टिकट वापसी का भी पहले ही ले लिया था <laughs> और मेरी धनराशि भी करीब छः महीने बाद मिली यू you नो know. सनी सर का एक किस्सा है कई कि जगह पढ़ने मिलता है कि उन्होंने कहीं कहा था कि वो सचिन का गला घोट देंगे अगर तो ऐसा नहीं किया तो वो तो एक बहुत मशहूर किस्सा है वो उनकी प्रतिभा से इतने चमत्कृत थे उन्होंने कहा था कि अगर तुम इतनी पचास सेंचुरी नहीं मारोगे और मेरे रिकॉर्ड नहीं तोड़ोगे तो मैं तुम्हारा गला घूट दूँ मतलब तुम अपने प्रतिभा के साथ न्याय नहीं करोगे और तब अगर मैं खुद नहीं कर पाऊँ क्योंकि तब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तब मैं किसी की मदद लेकर तुम्हारा गला घूटूंगा <laughs> तो ये लाड़ इसमें लाड़ ज़्यादा है और इसमें ये बात भी है कि वो इतना प्रतिभाशाली खिलाड़ी और आकलन उनका उस खिलाड़ी के बारे में इतना अद्भुत के वो जानते थे कि इतने सेंचुरीज बनाएगा और हम तो जानते हैं सचिन ने जितने गावस्कर साहब ने कहा था उससे भी ज़्यादा शो मार दिए पूरे आप प्रतिभा की बात हुई विनोद काम्बली बहुत याद आते हैं लोग अक्सर कहते हैं कि अपनी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं कर पाए कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि विनोद कांबली को उतने मौके भी नहीं मिले क्या ये बात सच लगती है नहीं 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 वो उसका अनुशासन कम था मैंने देखा कि सचिन ने तो बहुत कोशिश करते थे श्रीलंका में हम 96, 90 से अब 97 नाइन्टी सेवन में गया था मैं श्रीलंका कमेंट्री करने के लिए तब फोर नेशन कप था सचिन तेंदुलकर थे और वो कांबली को लिया था और ये कह रहे थे कि आठ बजे मीटिंग है लेकिन वो आने को तैयार नहीं वो कहीं गपशप ही लगा रहे हैं तो ये जो गंभीरता होती है ना इसलिए तो इस खुद कांबली ने कहा कि सचिन तेंदुलकर तो लेफ्ट से पहुंच टॉप फ्लोर पे पहुंच गए और मैं सीढ़ियां चढ़ता रह गया तो अगर आप में अनुशासन नहीं है खाली प्रतिभा से भी काम नहीं चलता अनुशासन मेहनत और लक्ष्य के प्रति ईमानदारी ये तीन चीज़ें नहीं हो तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते अच्छा ऐसा ही कुछ किस्सा मनिंदर सिंह का भी है वो भी कमाल के स्पिनर हुआ करते थे लेकिन अपनी हरकतों के चलते आगे नहीं जा पाए आप आप उनके साथ कमेंट्री किया आपने तो क्या मतलब कोई कभी बातचीत हुई उस करियर पे जो हो सकता था नहीं वो तो मनिंदर सिंह जैसी प्रतिभा बहुत कम लोगों में जो उनका लूप था और जो बिशन बेदी ने उनको जो आर्ट सिखाया था पच्चीस रन पर सात विकेट लिए थे उन्होंने बेंगलोर टेस्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ तो बड़े खिलाड़ी थे लेकिन उनकी ज़िंदगी में भूचाल परेशानी खुद की ज़िंदगी में परेशानी तो उससे वो हमेशा उलझ रहे मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं अभी भी अक्सर बातें होती रहती है बहुत अच्छे इंसान हैं दिल से बहुत साफ स्पष्टवादी और जब भी कमेंट्री की बात चलती है ना तो आज भी कहते हैं कि मैं दो कमेंटेटर्स का भक्त हूँ बड़ा प्रशंसक हूँ मतलब एक तो टॉनी ग्रेग और सुशील दोषी मतलब मैं तो कई बार आश्चर्यचकित रहता हूँ कि भाई इतने बड़े क्रिकेटर आप मेरा नाम ले बोले तो सत्य बात है उसमें कहने में क्या डर है अच्छा एक सनी साहब का किस्सा है कि उनको वॉशरूम में बंद कर दिया था कप्तान ने खुद ही कि गहरी सोबर साथ ना मिला पाए वो तो अरे वो एक आप वो सलीम दुरानी की बात हैं क्या वेस्ट इंडीज, में। हाँ। 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 वेस्ट इंडीज में क्या हुआ था कि सलीम दुरानी तब गेरी सोबर्स और एक और खिलाड़ी उनका मशहूर जो रोहन का ना ये आउट नहीं हो रहे थे और तब इस ये बार बार कप्तान को अजीत वाडेकर को कह रहे थे वो और कह रहे थे मुझे एक ओवर दो तो दोनों को निपटा दूंगा लेकिन वो दे ही नहीं रहे थे तो आखिर उसने छीन तो कर एक बार ओवर ले लिया और दोनों विकेट टपका दिए एक ही ओवर में और फिर कहा गया मुझे गेंद नहीं करनी आप जिससे करना हो करा लो मतलब ही वॉज सो कॉन्फिडेंट और वो जो बात कर रहे हैं ना आप रूम में बंद करने के हाँ। लिए वो जो आप बात कर रहे हैं वो था कि अजीत वाडेकर कप्तान थे और वो देख रहे थे इंडिया वेस्ट इंडीज़ गई थी और वो देख रहे थे कि गेरी सोवर्स बार बार हर मैच के पहले सुबह सुबह आते हैं सनी गावस्कर के कंधे पर हाथ रखते हैं और फिर जाकर शतक ठोक देते हैं तो बोले ये तो बड़ा मतलब शुभ इसके लिए है इसका हाथ पर तो वो जब उस टेस्ट मैच में भारत को दो सौ दो सौ बासठ रन वेस्ट इंडीज़ को बनाने से जीतने के लिए और उसमें बड़े बड़े खिलाड़ी थे तो वो आए और जैसे ही आए तो उन्होंने कंधे पे हाथ रखने के लिए गावस्कर के लिए आए तो देखा कि अरे गैरी सोबर्स आ रहे हैं इन्होंने देखा अजीत वाडेकर ने तो उन्होंने कहा कि सनी कहाँ है सब दूर से ही पूछा सनी बोले बाथरूम में तो उन्होंने बाथरूम का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और ताला लगा कर चाबी जेब में रख ली गैरी सोबर्स आए बोले वेरी सनी सबके सबको हाल चाल पूछा और वेरी सनी बोले नो आ, वी नो डू नॉट नो, नो कहाँ पर है तो फिर वो चले गए और सन देखिए गैरी सोबर्स पहली गेंद पर बोल्ड हो गए और वो टेस्ट मैच भारत जीत गया और सनी भाई ने पूछा अजीत वाडेकर से कि अरे वो छूने की कोशिश करते तो मैदान में भी छू सकते थे काहे के लिए मुझे बाथरूम में बंद किया तो उन्होंने कहा नहीं नहीं वो ड्रेसिंग रूम में आकर छूने से ही फलीभूत होती है वो बात अदरवाइज वो रन नहीं बना सकते फैंस के बहुत सारे सवाल आए आपके लिए तो इनमें एक मोहित जी हैं वो पूछ रहे हैं कि बचपन से आपकी कमेंट्री सुनी दादाजी के रेडियो वाली यादें ताज़ा हो गई एक बार वो किस्सा सुनाइए जब आप कहा करते थे इस गेंद को खूबसूरत ढंग से कट किया है गेंद तेजी से सीमा के बाहर मतलब ये एक नमूना सुनना चाहते हैं आपकी कॉमेंट्री का हाँ, हाँ, हाँ देखिए मैंने जब हिंदी कमेंट्री शुरू की थी ना तब मैं सोचता था कि बैट्समैन करता क्या हिंदी में इसको कैसे डिस्क्राइब कर दें तो मुझे लगता है कि मैंने बैट्समैन के क्रियाकलाप देखे कि बैटर शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद रहती है ऑफ स्टम्प के बाहर रहती है गेंद को अपनी लाइन से अलग करता है अपने आप को बैट्समैन और फिर स्ट्रोक के लिए जगह बनाता और स्क्वायर कट करता तो इसको अगर अपनी लाइन में कहें शॉर्ट ऑफ लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर और गावस्कर ने अपने आप को गेंद की लाइन से अलग किया स्ट्रोक के लिए जगह बनाई और स्क्वायर कट कर दिया चालक के लिए तो ये इस तरह से हमने भाषा बनाई अच्छा मधुसूदन जी पूछ रहे हैं कि आप जब कमेंट्री करते थे तो बता देते थे कि अब बल्लेबाज को आउट करने के लिए जाल बिछा दिया गया है और बल्लेबाज आउट भी हो जाता था कैसे पता चलता था आपको नहीं नहीं ये पता तो नहीं चलता है ये हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि बॉलर कर क्या रहा है किस तरीके से उन्हें आउट करने की कोशिश कर रहा है और कहाँ कहाँ वो आक्रमण की दिशा निर्धारित कर रहा है तो कहाँ कहाँ उसको विकेट लेने की आशा है कई बार आउट हो जाते हैं वो बात अलग थी तो वो एक सहयोगी कही है अच्छा एक बड़ा दर्द है 2013 के बाद से एक भी आईसीसी ट्रॉफ़ी नहीं आई विवेक जी पूछ रहे हैं आपके हिसाब से क्या कारण हो सकता है इसका आपके साथ में आपके हिसाब से क्या कारण है कि हम नहीं जीत पा रहे हैं आईसीसी ट्रॉफी क्यों नहीं जीत पा रहे हैं आईसीसी का कोई टूर्नामेंट क्यों नहीं जीत पा रहे हैं जी तो ये तो देखिए दो बातें हैं कि एक तो भारत को भारत में हराना मुश्किल है तो भारत अधिकांश मैचें भारत में जीतता ही है लेकिन विदेशों में ये सही बात है कि 2013 के बाद आईसीसी ट्रॉफ़ी हमने नहीं जीती है और उसके लिए हमारा पेश आक्रमण अच्छा होना चाहिए अब पेश आक्रमण अच्छा हो गया तो एक तो अच्छी बात है कि हम फाइनल तो खेलने लगें सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचने लगें और आज नहीं तो कल टीम में वो क्षमता तो है जैसे बुमराह जब से आए ना खास करके तो हमारा पेश आक्रमण में बड़ी तेज़ी आ गई और विदेशों को कहते हैं ना कि उनकी गली में जाकर हम वार कर रहे हैं और उनके उनकी दवा ही उन पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये भी होने लगा है तो ये सबसे बड़ा फ़र्क यही पड़ रहा है आजकल कि हम विदेशियों से इस कारण बराबरी पर संघर्ष कर रहे हैं कि हमारा तेज़ आक्रमण जो पहले कभी मामूली हुआ करता था अब उतना ही अच्छा है या उनसे बेहतर भी है कई बातों में जितना कि उनका है तो इस कारण हम संघर्ष करते हैं और बुरा नहीं मानना चाहिए अगर नहीं जीते कोई बात नहीं भारत में देखिए हम दस मैच जीते थे फाइनल हार गए तो दुख तो हुआ लेकिन उस दिन देखिए हम ये नहीं कह सकते कि हमारी टीम बेहतर थी और हम हार गए क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम जो होती है ना हम उसमें ये थोड़ी कहते हैं कि हम तीन माह और छः माह परीक्षा में बेहतर थे फाइनल एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम होती है उसके प्रेशर से अलग रहते हैं ऑस्ट्रेलिया को उसकी आदत है और वो जीत गया 2011 का वर्ल्ड कप धोनी का छक्का फाइनल में सबको याद है और जब भी उस छक्के की बात आती है तो रवि शास्त्री की आवाज़ सुनाई देती है लेकिन हिंदी में आप कमेंट्री कर रहे थे आप आपको क्या उस समय महसूस हो रहा था ये गिरीश जी पूछ रहा है। नहीं मैं भी कमेंट्री कर रहा था हाँ तो आप टी वी पर मैं, पूछ पे पे पूछ मैं भी कॉमेंट्री कर रहा था कि देखिए देखना है कि महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी कर रहे हैं और क्या भारत इतिहास रचने वाला है क्या एक गौरवशाली अध्याय आज लिखा जाएगा और अगली गेंद जैसे ही होने वाली है महेंद्र सिंह धोनी को देखना है कि चौका लगाकर वो विजय हासिल करते हैं या छक्का लगाकर अगली गेंद ओवर पिच थी उनके इलाके में आई और खूबसूरती के साथ उठाया सीधा स्ट्रेट फील्ड बाउंड्री के ऊपर से छगन के लिए गजब का छक्का और उसी के साथ भारत ने ये विश्व कप जीत कर इतिहास बना लिया है क्या बात शशिकांत पूछ रहे हैं कि 2003 वर्ल्ड कप का फाइनल हमारे 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल हमारे दोनों में से आपकी पसंदीदा टीम कौन सी है रोहित वाली या दादा वाली नहीं दादा का कारण ये था कि दादा के आने से उस समय काफ़ी फर्क आया भारतीय क्रिकेट पहली बार लगा कि आक्रामक क्रिकेट ही भारतीय खिलाड़ी दबकर नहीं खेलते थे तो दादा का कई खिलाड़ियों में विश्वास था जैसे हमने देखा वीरेंद्र सहवाग या फिर युवराज सिंह जैसे खिलाड़ी ये उनकी देन है और महेंद्र सिंह धोनी को भी उन्होंने ही कहा था कि भाई तुम ऊपर जाओ और उनका काफ़ी सहयोग रहा दादा का बड़ा योगदान है और 2003 की जो बात कर रहे हैं ना उसमें भी वो सौरभ गांगुली थे तो कोई बात नहीं फाइनल तक पहुंचे थे वहाँ पर हमारे आ, अभिराज पूछ रहे हैं कि वो हिंदी कमेंट्री करना चाहते हैं कैसे शुरुआत करें बस हिंदी कमेंटेटर्स को सुनिए अच्छी भाषा समझिए क्रिकेट को समझिए जिस खेल में आप कमेंट्री करना चाहते हैं ना उसको समझने की कोशिश की तकनीकी बारीकियों को सरल शब्दों में देने की कोशिश करिए दिल से महसूस करिए खेल को और दिलों तक उतरने की कोशिश करिए ये तरीका है अच्छा इसी से जुड़ा हुआ अरषी का सवाल है वो पूछ नहीं कि आकाश चोपड़ा को आपने कमेंट्री करते हुए सुना है कैसा लगता है और ये लोग कमेंट्री को सीधा सीधा क्यों नहीं रखते घुमा फिरा के बातें क्यों करते हैं <laughs> देखिए अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया रहती है कुछ लोग उन्हें बहुत पसंद भी करते हैं हम कभी भी ये नहीं अलग अलग लोग पसंद करते लेकिन देखें हमें कोशिश ही करनी चाहिए कि हर कमेंटेटर की अच्छाई को ग्रहण करें तकनीकी बातें बहुत अच्छी तरह समझाते हैं इसमें कोई संदेह नहीं हिंदी भी ठीक ही बोलते अच्छी बोलते हैं उसमें कुछ उसमें भी कोई संदेह नहीं तो ठीक है धीरे धीरे देखिए कहते हैं ना कि जड़मती भी सुझान हो जाता है तो ये तो पहले से बुद्धिमान है भाई <laughs> तो ये तो कर लेंगे क्रिकेट तो समझते ही क्रिकेटर हैं अच्छा विक्रम जी पूछ रहे हैं कि आपको क्रिकेट हिंदी की तरफ ले गया या हिंदी के चलते आप क्रिकेट की तरफ आए हाँ यह सवाल तो बड़ा ज़ोरदार है <laughs> नहीं मैं क्रिकेट पे को प्यार पहले करता था और हिंदी का प्यार भी करीब करीब उसी के साथ विकसित हुआ लेकिन दोनों का जब मेल मिलाप हुआ ना तो ऐसा लगा कि सोहनी और महिवाल का मिश्रण हो गया चलिए तो ये सुशील जी थे हमारे साथ और हमने इनसे बातचीत करी बहुत सारे किस्से आपके लिए लेकर आए किस तरह से शुरुआत हुई और तमाम सारी बातें ये बैठकी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगली बार बैठकी में आप किसे देखना चाहते हैं ये भी आप चाहें तो बता सकते हैं मेरा नाम सूरज है ललन टॉप देखते रहिए शुक्रिया